हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि मैं यहाँ पे स्ट्रेप्स कटिंग कर रही थी, जो कि मेरा ये कि पर्दा है, पतला वाला जो पर्दा आता है वही है। ऐसे में करीब 2.5 इंच चौड़ाई लेते हुए दो स्ट्रेप्स इस तरह से कटिंग की हूँ, और दूसरे कलर में एक इस तरह से 3 इंच की चौड़ाई लेते हुए मैंने कटिंग किया है। और इधर से देखिए, पर्दा है तो इधर से सिलाई थी, इसे मैंने कटिंग कर दिया। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, दो कलर को, जो एक कलर है उसको इस तरह से समेट के दूसरे वाले कलर से यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे। बहुत ही इजी तरीका है, दूसरे वाले कलर से हम इस तरह से यहाँ पे गांठ लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जो दूसरा वाला इसका सिरा है, इसमें हम छोटा सा जो पिन होता है मीडियम साइज़ का, उसे अटैच करेंगे। जी हाँ, यानी आज का जो मेरा वीडियो है, जो भी मैं बना रही हूँ, वो सिर्फ़ एक पिन पे आधारित है, सिर्फ एक पिन से बनेगा। ना कोई सिलाई मशीन, ना कोई सुई धागा, ना क्रोशिया, ना सिलाई जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, कोई भी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक पिन की हेल्प से हम इसे बनाते जाएंगे। और बनाना कैसे है ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो ये मैंने लिया है कपड़ा, उसको मैं इस तरह से, जिस तरह से फंदे डाले जाते हैं उस तरह से करके, वो टोटल हमें 8 फंदे इस तरह से डालने हैं इसके ऊपर लपेटते हुए। ध्यान से देखते जाइए तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसको देखिए, एक नॉट बना के हम बीच से इस तरह से निकाल रहे हैं, और इसको हम फिर से यहाँ पे टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा अगर टाइट हो जाएगा तो आगे हमारा, हमको बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि पिन से ही बनाना है। चाहे इसको इस तरह से करके और इसके ऊपर से इस तरह से चढ़ाते हुए, इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे। और ये वाला जो हिस्सा है, इसको पहले सुई धागा लेंगे, अंदर की तरफ समेट देंगे ताकि ये निकले नहीं, तो फिनिशिंग इससे क्या होगा कि अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये वाला जो होल है, इसमें हम ऊपर से इस तरह के इसको समेटते जाएंगे, और ये जो है यहाँ से इस तरह से निकालते जाएंगे, और ये जो रस्सी है इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे, ताकि जब हम इसको खींचे तो एक प्यारा सा गांठ यहाँ पे लग जाए। देखिए, ये देखिए, एक यहाँ पे इस तरह से गांठ ये लग गया। तो इसी तरह से हम करना है, और बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, जिसकी वजह से ये कि कोई कोई की ये शिकायत होती है कि कैप जैसे बन गया। तो इस चीज़ों का आप ध्यान दें, नहीं तो कैप जैसा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा खींचेंगे तो ये ऐसे गोल गोल सा होते जाएगा। तो इस बात का बहुत ही ध्यान दें जब भी बनाएं आप। अगर इसको बना फंदे मैंने डाले थे पहली लाइन, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। 8 फंदे के ऊपर जितनी भी हमारे वो हैं, इसमें से हुक है, उसमें हम डालते जाएंगे और बुनते जाएंगे, और पहली लाइन हमारी इसी तरह से तैयार होगी। यहाँ देखिए, मैंने बोला था ना कि टाइट ना करें, टाइट होता है तो इसमें होल बिल्कुल नहीं बन के आता है, जिसकी वजह से बार बार ये देखिए तंग कर रहा है पिन, बस यही रीज़न है। तो ये छोटी छोटी इसमें टिप्स हैं, जिसका ध्यान आप रखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा, ईजिली बन। अभी देखिए, ये पहली रो बन के तैयार हो चुकी है इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, अब फिर से हम अगली लाइन में क्या करेंगे कि फिर से रेड कलर अब लगाएंगे। और रेड कलर लगाने के बाद कैसे लगाना है, इस तरह देखिए, ये वाला जो हम जिससे बुनाई कर रहे थे, इसको फिर से हम अंदर की तरफ कर देंगे, और ये वाला जो येलो है इसको भी अंदर की तरफ कर देंगे, और रेड वाले को हम निकाल लेते हैं बाहर की तरफ से। तो रेड वाले में अब हमने पिन अटैच कर दिया है, ये देखिए। और अब क्या करना है कि इसका जो पहला फंदा है, पहला वाला जो फंदा है, उसी में हम अब डालेंगे। यहाँ से स्टार्ट है, ये दोनों जो है इसको हम अच्छे से इस तरह से समेटे रहेंगे। और इसको मैंने डाल दिया है यहाँ पे, जैसे ही ये थोड़ा सा छोटा होगा, उसके अंदर से हमें इस तरह से डाल लेना है। इस तरह से डालेंगे तो एक ये फंदा बन जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है
कि इसमें जो मैंने एक किया है यहाँ पे, इसमें हमने दो फंदे करने हैं अब, यानी तीसरी लाइन में हमें दो फंदे करने हैं। हर एक फंदे में दो फंदे बढ़ाने हैं तीसरी लाइन में, तो इस बात का ध्यान दें, हर एक फंदे में दो फंदे बढ़ाने हैं तीसरी लाइन में। ये देखिए दो हो गए, एक में मैंने एक होल में दो फंदे इसमें डाले हैं, यानी दो फंदे मेरे बढ़ गए हैं। अब हम दूसरे फंदे में जाएंगे, देखिए ये है मेरा दूसरा फंदा, इसमें जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर से इसको ऊपर से इस तरह से समेट लेंगे। अब हम फिर से इसमें फंदा हमने डाला और फिर से हमने पिन से इस अंदर से इसको निकाल लिया, तो ये हमारा एक फंदा बन गया यहाँ पे, ये देखिए। अब फिर से हम इसके बाद एक बार और डाल देंगे, तो ये हमारे दो फंदे हो जाएंगे एक साथ, यानी एक में हमें दो फंदे करने हैं। चलिए इसको इतना कर लें। यानी हमारी तीसरी लाइन में दो फंदे और चौथी लाइन में दो फंदे, इस बात का ध्यान रखिएगा, तीसरी और चौथी में दो दो फंदे हमारे होंगे। ये देखिए हमने दो फंदे इसमें बना लिए, अब दो फंदे इसमें हो गए। नेक्स्ट हम जाएंगे, इतना ये हो गया है, एक राउंड हमने फिर से पूरा कर लिया है, यानी डबल फंदे डबल फंदे। अब हम ये वाली जो लाइन हमारी जाएगी, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। अब ये जो हमने फंदा लिया था, इसको अब हम अंदर की तरफ समेटेंगे, यानी अब हम रेड कलर लगाएंगे। तो आप इसे चाहें तो दो कलर में भी बना सकते हैं, तीन कलर में भी बना सकते हैं, या फिर सिंगल सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो इसको अब हम रेड वाले में अब हम अपना पिन डालेंगे। अब ये इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से समेटेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमने फंदा है, ये हमारा फंदा अब येलो वाले फंदे में डालेंगे और येलो वाले फंदे से अब हम फंदा निकालेंगे इसमें से इसको अंदर, और ये जो दोनों हमारे येलो हो इसको हम समेटते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रति एक फंदे में एक ही फंदा बनाना है, अब हमें डबल फंदा नहीं करना है, प्रति एक फंदे में एक एक फंदा ही हमें बनाना है इस वाले लाइन में, यानी पांचवी लाइन में। पांचवी लाइन में सिर्फ हमें एक 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 फंदे में एक, एक फंदे में एक, इस तरह से हमें पूरा राउंड करना है, इसमें डबल नहीं करना है, बस इस बात का ही ध्यान देना था। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये वाला जो रेड है इसको अंदर करेंगे इसको, और ये वाला येलो जो है इसको भी अंदर करेंगे, और ये वाला जो येलो है इसको अब हम बाहर करके बुनाई इसी से अब करेंगे। तो अब हम प्रत्येक फंदे में दो फंदे फिर से बनाएंगे, पहले तो हम इसमें एक फंदा बना लें ताकि ये पैक हो जाए। ये देखिए अब ये हमारा इतना पैक हो गया है, अब क्या करेंगे, इसमें हमें फिर से एक फंदा बनाना है, यानी एक फंदे में हमें दो फंदे फिर से बनाने हैं। पूरा राउंड हम इसी तरह से करेंगे, एक में दो, यानी चारों तरफ से हमें घुमा के दो फंदे लाने हैं। अब ये देखिए ये इतना हो चुका है, हमने
हमने ये एक फंदे में दो दो कर लिए हैं। अब इस बार क्या करना है, फिर से इसका पिन निकाल लेते हैं क्योंकि अब हमें करना है रेड। तो ये फंस चुका है इसमें, तो अब हम रेड में लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि रेड को हम करेंगे पीछे की तरफ से और ये दोनों इसमें समेट देंगे। ये दोनों हमारे येलो है, एक और दो, इसको हम अंदर की तरफ से समेट देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फंदे में दो किया है, अब इस बार हम क्या करने हैं, एक फंदे में एक ही बार करना है। तो इस बात का ही बस ध्यान देना है कि अब हम अगले दो से तीन, तीन से चार लाइनें हमें एक फंदे, एक लाइन में हमें एक रो में एक फंदे में एक और दूसरी रो में एक फंदे में दो, इस तरह से करना है। अब हमें तीन चार लाइनें इस तरह से ही करने हैं। जैसे कि हम इसमें एक एक फंदा लेके जा रहे हैं तो पूरा एक राउंड कर लेंगे, तो अगले में हमें दो दो फंदे करने हैं एक एक राउंड में, तो वो हमारे फिर अगले में फिर हमें एक, फिर अगले में हमें दो, अगले में एक, फिर अगले में दो, इस तरह से हमें यहाँ तक पाँच छः लाइनें कर लेनी है। तो इतना कर ले, फिर दिखाते हैं आगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे एक में एक, एक में दो, हमारा यहाँ पे हो गया है। तीन से चार लाइन हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और थोड़ा सा हमें दो तीन इंच और हमें ऊपर जाना है क्योंकि अभी ये जितना हमें चाहिए उतना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बताते हैं कि आगे रो में कैसे करना है। और इसको क्या करेंगे, इस तरह से आगे फिर से हम नहीं बढ़ाना है इसमें, अब हम फिर से कोई फंदे नहीं बढ़ाएंगे, फिर से हम इसी तरह से इसको करेंगे, एक एक फंदे यहाँ पे करेंगे। अब फिर से इसको अंदर की तरफ दबाते हुए, अंदर की तरफ दबाते हुए इसको आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं देखिए मैं फंदे नहीं बढ़ा रही हूँ, सिर्फ एक एक फंदे ही हैं यहाँ पे। पीछे से थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा क्योंकि पंखा चल रहा है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं इसे बंद नहीं कर सकती हूँ। और आपको डायरेक्ट यहाँ पे वॉइस देना था समझाने के लिए, अच्छा होता है डायरेक्ट ही, अगर वो ओवर वॉइस ना करके डायरेक्ट ही समझाया जाए तो अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने ओवर वॉइस नहीं दिया और यहाँ पे डायरेक्ट ही समझाने की कोशिश की, तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर चलिए इसको लास्ट तक करें। अगली तीन लाइनें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा तीन लाइन, लास्ट वाली लाइन में हम बढ़ाएंगे, लास्ट नहीं हो सकता है तीन, यानी इतना बड़ा थोड़ा सा और बड़ा इसको करेंगे। तो अभी तीन लाइन कर ले, फिर बताते हैं आगे। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ये देखिए अब हमने पीला वाला फंदा डाला, ये देखिए एक और ये दो, एक में दो हमने फंदे डाले, एक में दो फंदे, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट में हमने एक फंदा, फिर इसमें दो नहीं करने हैं, अगला फिर आएंगे, अगले में फिर से अगले में दो फंदे, और उसके अगले में एक फंदा। तो इस तरह से करेंगे, एक में एक, एक में दो, एक में एक, एक में दो, इस तरह से हम सारा सारा राउंड पूरा कर लेंगे। और पूरा करने के बाद जब हमारा हो जाएगा तो फिर से हम जो अगली लाइन आएगी, रेड वाली लाइन आएगी, इसमें हम सिंगल सिंगल फंदे करेंगे, प्रत्येक फंदे में सिंगल सिंगल फंदा करेंगे, उसके अगले वाले में भी प्रत्येक फंदे में सिंगल सिंगल फंदा करेंगे। ऐसे करके के तीन चार लाइन हम बना लेते हैं और उसके बाद से दिखाते हैं। तो ये देखिए तीन से चार लाइन हमने बना लिया जिस तरह से मैंने हमने बताया था। अब हम लास्ट वाली रो में पहुंच गए हैं और ये बस ये इतना ही रह गया है लास्ट वाली रो में, मैंने सोचा आप लोग को दिखा दिया जाए। और लास्ट वाली रो में भी मैं एक एक फंदे ही कर रही हूँ
और इस तरह से मेरा देखिए बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, कोई सुई धागा क्रोशिया वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ा, बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। मैंने आज ही स्टार्ट किया था, आज ही मेरा ये देखिए शाम होते होते मैंने ख़त्म भी कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए इसका फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ कि लास्ट में मैंने क्या किया इसके साथ में। तो यहाँ पर देखिए मेरा लास्ट आते आते क्या हुआ कि मेरा येलो कलर से मैं लास्ट वाला रोक कर रही थी, पर मेरा येलो कलर ख़त्म हो गया तो मैंने यहाँ पे रेड ही लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि येलो कलर मुझे अब कटिंग करना था इसलिए मैंने सोचा रेड है तो यही लगा देते हैं, दो तीन फंदे की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, यहाँ से इतना कटिंग करके हटा देना है। अब ये क्या करना है, सुई धागा लेंगे और पीछे की तरफ से इसको समेटते हुए अच्छे से यहाँ पे पैक कर देंगे, टक कर देंगे, इसको टाक देंगे ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि ये इसे आप टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे डोरमेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब दिखाते हैं इसका फाइनल लुक, बहुत ही सुंदर सा लुक आया है और ये दिख रहा होगा छोटा पर बना है बहुत बिग साइज़ में। ये देखिए इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है, बहुत ही सुंदर सा लुक आया है। आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट में, और वीडियो आज का थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सबको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।